हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो स्किन केयर मैं बताने वाली हूँ, और वो भी जो विंटर्स आने वाली है, आपको पता ही है। और विंटर्स में जो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन जो है बहुत रूखी सूखी ड्राई हो जाती है, बहुत पैचेस पड़ जाते हैं, जैसे कोई भी हमारी जो स्किन होती है उसमें पैचेस स्टार्ट हो जाते हैं आना, तो उसके लिए जो है उसकी केयर हम जो है घरेलू टिप्स से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग मेरे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्किन को अपनी जो ड्राई स्किन है हम उसको जो उसकी कैसे केयर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो है मेथी दाना जो ले लिया है, मैंने इसको जो है ओवरनाइट जो है मैंने इसको भिगो के रखा है और ये काफ़ी ज़्यादा फूल गई है कि जो आसानी से हम इसको जो है अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं, अच्छे से इसको जो पीस सके। और इसको जो हमें मिक्स करना होगा एक दही में मिक्स करना होगा। दही मैंने यहाँ पर ले लिया है, दही की क्वांटिटी जो है आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग। चलिए मैं इसको जो है इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ, तब मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने जो है दही ले लिया है, मैंने दही और ये मैंने मिक्सी में नहीं करा, मैंने अपने आप ही थोड़ा सा इसको सिलबट्टे पे ही मैंने इसको जो है मैंने ग्राइंड किया है अपने आप ही। आप इसको जो है हाथ से भी इसको अच्छे से क्रश कर सकते हैं और आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, इसको दही में ऐड कर देना है। आप इसको इसमें अच्छे से ऐड कर दीजिए और हमारी स्किन में जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है, अगर हमारे स्किन में जो जितनी भी स्किन सेंसिटिव होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर करेगा और ये एक तरह का ये ग्लोइंग भी करेगा, साथ के साथ फेशियल भी करता है हमारा ये, अगर आप इसको दही में अच्छे से करें। और दही भी आपको ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा कम खट्टा हो, आपको जितना खट्टा आप दही लेंगे उतना आपकी जो है स्किन अच्छी हो जाएगी। इसको अच्छे से करने के बाद आप अपने फेस पे इससे मसाज कर लीजिए और फिर देखिए इसका कमाल, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका, बहुत अच्छा पैक बन चुका है ये। और ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट आता है इसको लगाने पे। आप अगर वीक में अगर 1 से 2 टाइम्स इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपको जो इसको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि इसकी तासीर मीन्स इसका जो जो मेथी दाना होता है इसका जो होता है गर्म होती है, कहते हैं इससे जो है पिंपल्स आने भी स्टार्ट हो सकते हैं, ये ज़्यादा ऑयली कर देता है, इसलिए हमें ये 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना। आप हो सके तो अच्छे से मसाज कर लीजिए 5 से 10 मिनट, उसके बाद इसको फेस वॉश कर लीजिए और आप खुद देखेंगे कि सर्दियों में आपकी जो जो स्किन है बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए मैं लगाती हूँ दही, आपको पता है जितना अच्छा खाने से होता है उतना ही अच्छा हमारी स्किन पे भी जो है ग्लोइंग लाता है। अगर आपको लगता है कि आपके कील मुहासे या ज़्यादा है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जैसे मेरे नहीं है तो फिर मैंने नहीं अप्लाई किया, आप इसके अंदर थोड़ी सी टर्मरिक जो है घर की पीसी भी अगर हल्दी है तो आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी सी आप इसके अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं, पिंच बराबर आपको जो है हल्दी डालना है। तो देखिए आपके जो दाग धब्बे हैं और जो भी आपके अगर फुंसियाँ हो रही हैं या छोटे छोटे दाने हो रहे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे जो है जब भी फेस वॉश की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर जैसे मैंने फेस पे अगर कोई आप लोगों ने कोई फाउंडेशन लगाया, क्रीम लगाया, काजल लगाया तो आप इससे भी वॉश करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इचिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप इससे जो है अच्छे से वॉश कर पाएंगे। सही में देखिए 100% इसका जो है रिजल्ट आ रहा है। देखिए मैं अभी सिर्फ लगा ही रही हूँ तो इसकी जो ग्लोइंग है, इसकी जो चमक है वो अभी से ही स्टार्ट हो गई आना, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, बहुत ही अच्छा होता है ये, इसके अंदर अगर आप हल्दी और ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस आपको इसको ऐसे ही मसाज करते रहना है। अच्छे से मैंने जो है मसाज कर लिया, अब मैं जो है फेस वॉश कर लूंगी। आप सिर्फ आपको सिंपल ठंडे पानी से वॉश करना है, कोई भी आपको जो है कोई भी साबुन या कोई भी अपना फेस वॉश नहीं यूज करना अपना, बस आपको ठंडे पानी से अपना मुंह धो लेना है। आप इसको उबटन की तरह अपने बॉडी पे भी लगा सकते हैं, अपने शरीर पे भी लगा सकते हैं, हाथ पैरों में भी जो काली परत होती है जमी हुई काफ़ी टाइम से जो होती है, अगर आप इसको डेली ऐसे यूज़ करेंगे, अगर आप इसका पेस्ट बना के फ्रिज में रख लेते हैं और 2 से 3 बार ये चल पड़ता है तो आप इसको जो है अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करने लगेगी। देखेंगे आप मैंने फेस वॉश कर लिया है मैंने और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और बिल्कुल भी आप लोगों को लगेगा जैसे बेबी स्किन होती है ना सेम वैसी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और ये धीरे धीरे जो है ग्लोइंग भी दे रहा है, आप नोज़ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है इसने।
क्योंकि मैं ये घरेलू चीजें यूज करती रहती हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आई होप आप लोगों को आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर। और ऐसे जो है मैं और अच्छे अच्छे जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। बाय।